आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर इंटेक जबलपुर चैप्टर एवं चैप्टर के संयोजक डॉक्टर संजय मेहरोत्रा एवं सह संयोजक ऋतिक तिवारी के प्रयास के द्वारा आयोजित हेरिटेज एम्बेसडर सम्मान समारोह में इंटेक जबलपुर चैप्टर के ड्राइव मेंबर डॉक्टर हर्ष तिवारी के सुपुत्री कुमारी आराध्या तिवारी उम्र 11 वर्ष की छात्रा 5th क्लास को इंटेक स्टेट चैप्टर के संयोजक दीपक खांडेकर साहब IAS पूर्व संभागयुक्त जबलपुर एवं तत्कालीन संभागयुक्त अभय वर्मा जो कि इंटेक जबलपुर चैप्टर के चेयरमैन हैं अरविंद यादव जॉइंट कमिश्नर जबलपुर संभाग के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय हेरिटेज एम्बेसडर के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जबलपुर की 11 वर्षीय कुमारी आराध्या तिवारी प्रियम इतनी छोटी आयु में शिक्षा से इस दिशा में सक्रिय होकर काम कर रही है। उन्होंने बाल पत्रकार के रूप में काफी यश अर्जित किया। उनको नगर पालिका निगम जबलपुर द्वारा पहले से ही स्वच्छता जन जागरण हेतु ब्रांड एम्बेसडर नामित किया जा चुका है। जिला प्रशासन जबलपुर ने उनकी प्रभावी लोकप्रियता को देखते हुए मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदान हेतु जनता को प्रेरित करने के लिए उन्हें अपना बाल ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। कुमारी आराध्या तिवारी प्रियम से अपेक्षा होगी कि इंटेक के मिशन के अनुसार स्कूलों सहित शहर की आम जनता को पर्यटन पर्यावरण कला एवं सांस्कृतिक विरासतों के संवर्धन संरक्षण प्रचार प्रसार हेतु जागरूक करेंगी। डॉक्टर संजय मेहलोत्रा डॉक्टर बसंत मिश्रा ऋतिक आदि लोग मौजूद रहे। उसी वक्त मुझे इसका संपर्क आया। डॉक्टर शर्मा जी का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा माध्यम था, एक आधार था और वो सबसे बड़ा कारण थे इस संस्था से जुड़ने का। और जो लगभग 3.5 साल मैंने इन संस्था के साथ, क्योंकि ऑफिशियली चेयरमैन जो है वो डिविजनल कमिश्नर जो संभागीय आयुक्त होते हैं वो होते हैं, तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि 3.5 साल मैं इसका चेयरमैन रहा। तो तब मैंने ये महसूस किया कि सरकार में रहते हुए भी आप बहुत सारी संस्थाओं से कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। तो इंटेक का जो सबसे बड़ा मुझे जो अनुभव है वो एक बड़ा मीठा सा अनुभव, एक बड़ा अच्छा सा अनुभव है। और उसी कारण से जब मैं अभी रिटायरमेंट के बाद जबलपुर आके रहने लगा हूँ तो दोबारा जो है इंटेक से जुड़ने की बात आई, लोगों ने भेंट की, बात की, मुझे कहा कि मैं इसमें जुड़ जाऊँ, वो एक बहुत बड़ा कारण था। और सौभाग्य है कि मुझे स्टेट कन्वीनर का दायित्व मिला है, काम करने का मौका मिला है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे राज्य में जहाँ कहीं भी स्टेट चैप्टर जो है, स्थानीय चैप्टर के जितने हमारे जिला लेवल के जो चैप्टर्स हैं उनको मोटिवेट करके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के कार्यक्रम कर सकते हैं। तो मैंने अभी भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में, सब जगह जो डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स हैं उनसे बातें की हैं, चर्चा की है, उनके कुछ कार्यक्रम भी बन रहे हैं। अब आने वाले समय में उसका एक अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा। एक कोशिश मेरी और थी कि इंटेक से ऐसे लोग तो जुड़े हुए हैं जो बुज़ुर्ग हैं। अब जैसे शर्मा साहब का ही मैं नाम लूँगा, उम्र ऐसी चीज़ है कि जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और हम सब जानते हैं कि 80 साल 85 साल 90 साल के बाद होता क्या है। जिसको जाना है वो चला जाएगा। अगर हमने नए पीढ़ी को इसमें शामिल नहीं किया तो इंटेक का भविष्य कोई बहुत फिर उज्जवल नहीं रहेगा। तो मेरी शुरू में भी एक मतलब प्रयास था कि जितने स्कूल के विद्यार्थियों को हम जोड़ सकें, क्योंकि एक अगर हमने 20 साल के, 18 साल के, 15 साल के इस तरह के बच्चों को जोड़ लिया तो ये हमारे 40, 45, 50 साल तक हमारे सदस्य रहेंगे, हमारे एक्टिव कार्यकर्ता रहेंगे। तो आज का कार्यक्रम भी एक उसी की कड़ी है कि हमको जब इस बच्ची के बारे में पता चला, आराध्या बिटिया के बारे में, तो मेरी खुद की इच्छा थी कि इस तरह के बच्चों को इंटेक से जोड़ना चाहिए और व्यक्तिशः जुड़ना चाहिए। भले ही उनके परिवार के लोग अगर इंटेक के सदस्य हैं तो क्या हुआ, वो बच्चा खुद इंटेक का सदस्य होना चाहिए, इंटेक के गतिविधियों से जुड़ा रहना चाहिए। तो ये एक आज के कार्यक्रम की एक शुरुआत है। हम जबलपुर के एक बहुत अच्छी बच्ची है, उसने बहुत काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंटेक से जुड़ के हमें भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और इस तरह से अगर हमें और भी स्कूल के विद्यार्थी मिले जिनकी कोई इस तरह की विलक्षण प्रतिभाएँ हैं और वो हमें लगता है कि इंटेक के कार्यक्रमों में जोड़ के हम उसका पूरा लाभ ले सकते हैं, तो वो कोशिशें भी हम करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई है। अब ये बताइए कि कितनी बड़ी आपको उपाधि मिली और उपलब्धि मिली है, कैसा फील कर रही हूँ और क्या आगे आपका एम रहेगा? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और जो इंटेक संस्था है ये पुरानी चीज़ों, पुरानी मतलब सिक्कों को और इन सब चीज़ों को बचाने की मदद करती है। और मैं ऐसे सोचती हूँ कि इसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए। मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ पर मेरा ये नहीं मतलब, सबका योगदान होना चाहिए। और म्यूज़ियम्स बनने चाहिए मध्य प्रदेश में, पूरे
मतलब और जगह म्यूजियम्स बनने चाहिए, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं बच्ची हूँ और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो अगर इन लोग को पास्ट के बारे में पता नहीं चलेगा तो ये लोग उन गलतियों को सुधार के उन चीज़ों को और बेहतर करके हमारे देश हमारे शहर का नाम रोशन कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है और क्या बेहतर होना चाहिए? और म्यूजियम ज़्यादा बनने चाहिए, क्योंकि पुराने मतलब बच्चों को ज़्यादा पता होना चाहिए। स्कूल स्कूल जाके मैं ऐसा करूँगी, स्कूल स्कूल जाके बच्चों को बताऊँगी, उनको बोलूँगी कि पुरानी चीज़ों को बचाएं, ताकि कहाँ से मिली आपको? कहाँ से मिली आपको? मेरे दादा डॉक्टर हर्ष कुमार डॉक्टर सुमित। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।